विषय हिंदी, कक्षा 8, वाला विद्यार्थी मित्रों, पाठ 4, उठो धरा के अमर सपूतों, एना स्वाध्याय की चर्चा करीशुं। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? तो ये कविता ना आधारे ना जवाबों तुम्हारे लखवाना थसे। अहीं प्रश्न 2, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अहीं एक आपेलू छे काव्य, एना आधारे प्रश्नों जवाब लखवाना छे। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में, डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सबसे बड़ा हिमालय। तो यूँ हिमालय विषय काव्य आपेलू छे। तो प्रश्नों जे ना हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो हिमालय हमें संदेश देता है कि आधी हो या पानी में कभी हमें डरना नहीं है, हमें डटकर उसका सामना करना है और हमारे पद पर हमें कठिनाई तूफानों सब सहन करके आगे बढ़ना है। तो एना आधारे बीजा प्रश्नों छे ए पण तमारे सुंदर अक्षरे लखवाना थसे, तो ए पण तमारे लखवाना छे। त्यार पछी प्रश्न 3 छे, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। तो अहीं चित्र जोवानुं, चित्रना आधारे कविता में कविता लिखिए, आ कविता बनावानी छे। फूल, तितली, बादल, वृक्ष अने बारिश, जो तमने आवड़े तो तमारे ने बनावानी थसे। प्रश्न 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो मैं गादी बन जाऊंगा, तो तमने आ काव्य पंक्ति मले तो ये तमारे पूर्ण करवानी छे। थोड़ू हिंदू नु व्याकरण छे एनी चर्चा करीशू। भाषा सज्जता, संज्ञा का प्रयोग, आप संज्ञा के बारे में सीख चुके हैं तो अगले धोरण में आप भणेला छे, तो एना आधारे निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। सोना कीमती धातु है, तो यहाँ पर जो संज्ञा है उनको ढूंढना है और वह लिखना है और उसका भेद भी बताना है। गंगा पवित्र नदी है, उमंग दौड़ रहा है, दल जा रहा है, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया, तो तमारे संज्ञा शोधवानी अने ए लखवानी छे। त्यार पछी निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, तो एनी सामे छे जयेश ने कीर्ति को साड़ियां दी, तो आपने ख्याल आवे छे कि जे लीटी करी छे साड़ी, साड़ी नु बहुवचन साड़िया। बगीचे में एक लड़का है, तो अभी आ लड़का जे तो अहीं बहुवचन थशे। बगीचे में कई लड़के है, एक हतुं एनुं कई लड़के, तो एनुं शुं थयुं बहुवचन। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़िया और दूसरे में लड़का से लड़के हो गया है, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ है। अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। मुझे लुटेरे का डर था, लुटेरे बहुवचन छे तो एनु एक वचन तमारे बनावनुं थशे। मुझे लुटेरे का डर था, पक्षी ने उड़ान भरी, उसने मुझे मिठाई दी, तो आ वाक्यनुं तमारे बहुवचन बनावानुं थशे। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए, भाववाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में। बच्चे प्रार्थना करते हैं, तो एमो भाव से प्रार्थना करवानो,
बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। प्रार्थनाएं जातिवाचक संज्ञा दीजिए। नदी की चौड़ाई अधिक है। भारत में नदियों की चौड़ाइयां अधिक है। उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था जो भाववाचक रूप में था, उनके साथ दिए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई है। तो ये समझवानुं छे। त्यार पछी इतना जानिए, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर यह जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। विज्ञान ने दूरी को कम किया है। नदी की लंबाई अधिक है। तो आ फक्त तमारू भाषा सज्जता है, समझवानू छे, ए लखवानू नथी, फक्त तमारे समझवानू छे, फक्त एनो स्वाध्याय सुंदर अक्षरे लखवानो, ए आजनू गृह कार्य छे। अस्तु।